हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6, बीज बना पौधा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो पौधे के बारे में आप जानते होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि हम पौधे के बहुत सारे भागों का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों को हम ग्रहण करते हैं, यानी जिनकी जड़ों के रूप में हम भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके बीजों को हम जो है ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। ठीक है, यानी कि जो हमारा पौधा होता है तो अनेक प्रकार के पौधे हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं उनसे उनका जो अलग अलग भाग हैं उनके अलग अलग भागों के रूप में हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आइए हम जो है कुछ एक पौधों के बारे में जानते हैं और हम ये सीखते हैं कि कौन कौन से पौधों में हम कौन कौन से हिस्सों को, कौन कौन से भागों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी हमें जो है जब हम पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, पौधे से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अब पौधे से भोजन हम किन किन रूपों में करते हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीजों के रूप में हम भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण कौन सा है कि आप जो है चावल खाते हो, गेहूं खाते हो, बाजरा खाते हो, तो आपने देखा होगा कि चावल का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है वो होता है चावल। ठीक है, गेहूं के पौधे का बीज कौन होता है, गेहूं का दाना होता है। और वैसे ही बाजरे का जो पौधा है उसका बीज कौन होता है, बाजरा, है ना। कि जब भी गेहूं बोई जाती है तो गेहूं के दाने ही तो बोए जाते हैं, वही तो बीज होते हैं। ठीक है, तो बीजों के रूप में हम किस किस को ग्रहण करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, चना जो हम ग्रहण करते हैं, गेहूं जो हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, चना ग्रहण करते हैं, गेहूं ग्रहण करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम बाजरा ग्रहण करते हैं, तो ये सारे के सारे इनके बीज होते हैं, यानी पौधे के बीज होते हैं। ठीक है, और हम पौधे के कौन कौन से भाग ग्रहण करते हैं, तो पौधे के हम फल के रूप में तो भोजन प्राप्त मिलता ही है। ठीक है, यानी फल के रूप में तो हमें भोजन जो है प्राप्त होता ही है। फल के रूप में हम कौन कौन से पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये तो पूछने की बात ही नहीं है। पेड़ पौधे होते हैं उनका, जैसे एग्जांपल ए फॉर एप्पल जो पढ़ते हैं, जहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी वहीं से हमने सीखा था कि वो तो फल होता ही है। ठीक है, तो वो सेब हो गया, अमरूद हो गया, सेब, अमरूद, जितने भी हैं, केले हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फल जो है वो हम पौधों के कौन से हिस्से को खाते हैं, फल के रूप में हमें भोजन वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा भोजन पौधे के कौन से और हिस्से से मिलता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों को हम जो है ग्रहण करते हैं, तो जड़ के रूप में हमें भोजन प्राप्त होता है। अब जड़ कौन सी, तो आपने देखा होगा गाजर को, देखा है आपने गाजर कैसे उगती है, तो आपने देखा होगा गाजर हो गई, मूली हो गई, उसमें क्या होता है कि इस तरह से नीचे गाजर होती है, इस तरह से नीचे मूली होती है, और उसके ऊपर जो इस तरह से कई सारे पौधे उगे हुए होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा थोड़ी सी हमने चौड़ी बना दी है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं कि मान लीजिए कि ये है आपकी ज़मीन और ज़मीन के नीचे जो है इस तरह से आपकी गाजर है। ठीक है, ज़मीन के नीचे इस तरह से आपकी गाजर है और ज़मीन के ऊपर जो है आपका गाजर का पौधा जो है इस तरह से उगा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिएगा जमीन से नीचे होती है वो क्या होती है, जड़, तो इसका मतलब गाजर के पौधे की जो जड़ होती है, जो लाल लाल होती है, उस जड़ को आप खाते हो। यानी जड़ के रूप में हमें कौन कौन से पौधों से भोजन प्राप्त होता है, जड़ के रूप में हमें गाजर, मूली, इसके अलावा प्याज जो है, प्याज में भी आपने देखा होगा प्याज अंदर होता है, प्याज इस तरह से प्याज अंदर होता है और उसके यूँ पौधे जो है ऊपर से निकले होते हैं और हम उसको उखाड़ करके प्याज निकाल लेते हैं। तो जड़ के रूप में हम कौन कौन से जो है पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, प्याज से, मूली से और गाजर से, प्याज से, मूली से, गाजर आदि से, ये जो पौधे हैं उनसे हम भोजन जड़ के रूप में प्राप्त करते हैं। और कौन कौन से, फल हो गया, जड़ हो गया, और हम तने के रूप में जो है प्राप्त करते हैं, और किसके रूप में प्राप्त करते हैं हम, जो चौथा जो रहेगा हमारा वो है तने के रूप में, तने के रूप में।
तो आपका आपको पता होना चाहिए कि तने के रूप में हमें कौन सा जो है प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आलू होता है, आलू आलू जो आप खाते हो वो अपने पौधे का कौन सा हिस्सा होता है। आलू अपने पौधे का तने वाला हिस्सा होता है, यानी कि आलू का पौधा है उसका जो तना है उसको आप खाते हो और उसी को क्या बोलते हैं, आलू। तो ये हमने पढ़े कि कुछ पौधे हमें बीज के रूप में भोजन देते हैं, कुछ हमें फल के रूप में देते हैं, कुछ हमें जड़ के रूप में देते हैं और कुछ हमें तने के रूप में देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिएगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम दवाइयों के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि कौन कौन से पौधे होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा नीम जो है, नीम की पत्तियां जो है हम उनको दवाइयों के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। यानी कई सारी दवाइयां बनाने में नीम के जो है कई सारी जड़ी बूटियाँ यूज़ होती है, ठीक है। तो नीम हो गई, तुलसी हो गई, जो हमने आम तौर पर देखा है जिनको हम चाय इत्यादि में डालते हैं, नीम जो है उसको भी उपयोग किया जाता है। जैसे गेहूँ इत्यादि जब स्टोर की जाती है तो वहाँ पर नीम की पत्तियां डाली जाती हैं। तो यानी ये कुछ जो है ये कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके कुछ हिस्सों को हम दवाई के रूप में उपयोग करते हैं। किसके रूप में, दवाई के रूप में, ठीक है। यानी पौधों से, कुछ पौधों से तो हमें भोजन प्राप्त होता है और कुछ पौधों से हमें दवाई भी प्राप्त होती है, यानी दवाई के रूप में इनका हम उपयोग करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आपका अगर चैप्टर का नाम देखा जाए बीज बना पौधा, कि बीज जो है वो क्या बनता है, पौधा बनता है। तो बीज के पौधा बनने की जो प्रक्रिया होती है कि आप क्या करते हो, जब भी आपको कोई फसल उगानी है तो खेत में क्या डाला जाता है, उस फसल का बीज डाला जाता है। और जब बीज डालते हैं तो वो बीज क्या बनता है, धीरे 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 पौधा बनता है। तो बीज से पौधा बनने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, बीज से पौधा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अंकुरण, ठीक है। तो नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि बीजों का अंकुरण क्या होता है, बीजों का अंकुरण क्या होता है। तो आप कह देंगे कि बीजों का अंकुरण हमने देखा है, राजस्थान के अंदर एक त्यौहार है, कौन सा त्यौहार, बच्छ बरस का त्यौहार। राजस्थान के अंदर बच्छ बरस का त्यौहार आता है और आपको पता है बच्छ बरस के दिन जो गाय होती है या जो भी पशु होते हैं उनका जो दूध है वो उनके बछड़े को या जो उनका बच्चा है सारा का सारा दूध उसे पिलाया जाता है, यानी हम गाय का दूध यूज नहीं करते हैं। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है कि उस दिन जब घर में सब्जी इत्यादि बनती है तो उस दिन एक रीति रिवाज हमारे चलता है कि हम चाकू से कोई भी फल सब्जी काट करके नहीं खाते हैं। तो ऐसे में फिर घर में सब्जी कैसे बनेगी। तो ऐसे में ऐसा माना जाता है कि उस दिन हम अंकुरित जो अनाज है उनको खा करके अपना गुजारा करते हैं। तो बच्छ बरस के जब त्यौहार होता है तब बीजों का अंकुरण किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि घरों में जो मोठ मोठ चना बाजरा, मोठ चना बाजरा, मूंग जो होते हैं, ये जो दालें इत्यादि होती हैं इनको क्या कर दिया जाता है, पहले जल में भिगोया जाता है। जल में भिगो करके इनको एक सूती कपड़े में बांध करके रख दिया जाता है और एक दिन के बाद आपने देखा होगा कि जब अनाज को या जब ये दालें होती हैं, चना है, मूंग है, इनको जब सूती वस्त्र में बांध करके पहले भिगो के रखते हैं रात भर, फिर उन्हें सूती वस्त्र में बांध करके रख दिया जाता है, तो आपने देखा होगा कि चने के अंदर से यूं सफ़ेद सा धागा जो है वो बाहर निकल जाता है। चना है, चने के अंदर से सफ़ेद धागा जो है वो बाहर निकल जाता है और यही जो अवस्था है उसी को हम कहते हैं अंकुरित बीज। यानी जो चना है वो क्या हो गया, अंकुरित हो गया, उसके अंदर से जो वाइट वाइट धागा निकला है अगर आप उसको ज़मीन में मिट्टी में जो है डाल दोगे तो वो धीरे धीरे एक पौधा बन जाएगा, इसी को बोला जाता है बीजों का अंकुरण। तो आप क्या कहेंगे कि बच्छ बरस के दिन मोठ चना बाजरा मूंग को भिगो करके रखा जाता है और जब इनको भिगो करके रखा जाता है और बाहर निकाल करके उन्हें सूती कपड़े में बांध करके रख दिया जाता है तो दूसरे दिन सभी के सभी जो दाने हैं इसमें से क्या निकल जाता है, एक सफ़ेद धागा निकल जाता है, सफ़ेद धागा निकल जाता है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को बीजों का अंकुरण कहते हैं। क्योंकि जब सफ़ेद धागा निकल गया तो अब ये पौधा बनने के लिए तैयार है, अब ये पौधा बनने के लिए तैयार है, अब ये पौधा बनने के लिए तैयार है। अगर आप इनको ज़मीन में डाल दोगे तो इनसे चने का पौधा, मोठ का पौधा, बाजरे का पौधा, मूंग का पौधा निकल करके बाहर आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
अब आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए ज्वारा क्या होता है। आपसे पूछ लिया कि ज्वारा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वारा क्या होता है। तो बीजों का अंकुरण मैं बता दूं क्या होता है कि मान लीजिए मोठ है, बाजरा है, चना है, मूंग है, इसको भिगो करके सूती कपड़े में बांध के रखते हैं तो अगले दिन क्या निकल जाता है, सफ़ेद धागा निकल जाता है, सभी धागे नुमा संरचना सी बन जाती है। ठीक है, तो सफ़ेद धागे नुमा संरचना इनसे बाहर आ जाती है, तो इन बीजों को क्या कहते हैं, अंकुरित बीज कहते हैं। अब आपसे पूछा गया कि बताइए ज्वारा क्या होता है, तो आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि नवरात्रे के टाइम में राजस्थान के अंदर और संपूर्ण भारत के अंदर भी हम कह सकते हैं कि नवरात्रों के अंदर मंदिर के अंदर देवरे जो होते हैं देवरे, ठीक है, नवरात्रों में, अब आप कहेंगे कि नवरात्रों में मंदिरों में जो देवरे होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे जो देवरे होते हैं इनके अंदर मिट्टी भर दी जाती है और मिट्टी के साथ साथ अंदर जो है जो ज्वारा है उसके बीज डाल दिए जाते हैं, ज्वारा के बीज डाल दिए जाते हैं और कुछ दिनों के बाद इसमें जो है यूं हरी हरी जो है पत्तियां निकल आती हैं, यूं सीधी सीधी पत्तियां निकल आती हैं और इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही ज्वारा बोला जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि नवरात्रि में मंदिरों में देवरों में ज्वारे के बीज ज्वारे के बीज डाले जाते हैं, ज्वारे के बीज डाले जाते हैं और जब इसके अंदर मिट्टी के अंदर हम पानी इत्यादि देते हैं, जब इसे पानी दिया जाता है, इन बीजों को जब पानी दिया जाता है तो कुछ टाइम के बाद, कितने दिनों बाद, 10 दिन के बाद इनमें से ज्वारे के हरे हरे पौधे जो कैसे होते हैं, लगभग घास नुमा होते हैं, तो छोटे छोटे हरे हरे अनाज के पौधे, छोटे छोटे पौधे या फिर आप ये कह सकते हैं अनाज के पौधे बाहर निकलते हैं, अनाज के पौधे बाहर निकल जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, जिनको हम ज्वारा कहते हैं। यानी कि ये जो घास निकली है बाहर इसको हम ज्वारा कहेंगे। और आप देखेंगे कि नवरात्रि के दिनों में आपने देखा होगा मंदिरों में और घरों के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो देवरे होते हैं उनके अंदर ज्वारे के बीज डाले जाते हैं, पानी इत्यादि उनमें रोज दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, 10 दिनों के बाद उसमें से अनाज के छोटे 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 पौधे इस तरह से उग जाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, ज्वारे बोला जाता है। अब क्या ऐसा जरूरी है कि हम बीज डालें और बीज से ही पौधा बने? क्या ऐसा ज़रूरी है कि किसी भी फसल को बोने के लिए पहले ज़मीन में उसका बीज डालना पड़ेगा और बीज से ही पौधा बनेगा? तो आप कह देंगे नहीं, बीज की ज़रूरत नहीं होती। कई कई पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बिना बीज के भी पौधे उगते हैं और वो हमने कहाँ देखे हैं, अपने घर में भी उगते हुए देखे हैं। अब आप कहेंगे वो कहाँ पर देख लिए, तो देखिएगा आपने कई कई बार प्याज जरूर देखा होगा कि प्याज जो है उसको कई दिनों तक जब रखे रहने देते हैं, जैसे प्याज का जो मौसम होता है, ठीक है, प्याज ले लिए, प्याज घरों में पड़े हैं और प्याज का बेसिकली मौसम गर्मियों वाला होता है और जब लगभग अक्टूबर नवंबर तक आ जाते हैं, यानी कब, अक्टूबर नवंबर, आपने गर्मियों में लेकर के प्याज रख लिए और अक्टूबर नवंबर के अंदर आ करके आपने देखा होगा कि वही पुराने प्याज जो तब के पड़े हुए हैं, तभी क्या होगा कि मान लीजिए ये जो है प्याज है, ये प्याज का जो है इधर का जो है, मान लीजिए ये प्याज है और प्याज पीछे से इस तरह से होता है। अब आपने देखा होगा कि ये पीछे से जो है प्याज में यूँ हरी हरी पूंछ सी निकल जाती है और अगर उसको ज़्यादा समय के लिए छोड़ दिया जाए तो ये प्याज अंदर से सूख जाता है, लेकिन यहाँ से पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्याज का पौधा उग गया, लेकिन प्याज का पौधा तो उगा लेकिन किसी बीज की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। वैसे ही आपने आलू देखा होगा, आलू
आलू आपने देखा होगा। और कई कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अगस्त सितंबर का जो महीना होता है, कौन सा महीना, अगस्त सितंबर, अगर उसको देखना है तो आपको अगस्त सितंबर महीने को नोट करना होगा। इन चीज़ों को नोट कर लो। अक्टूबर नवंबर के महीने में प्याज के अंदर से वो हरी हरी पीछे से पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, पीछे से पौधा निकलना शुरू हो जाता है वाइट और हरे से कलर का, आपने देखा भी होगा, है ना। और अगस्त सितंबर के अंदर क्या होता है, आलू के ऊपर यूँ छोटे 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 इस तरह से जो है हरे हरे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, कांटे के जैसे से लगते हैं थोड़े से, लेकिन वाइट और हरे होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा। तो ये पौधे उगना शुरू हो गए, ये पौधे उगना शुरू हो गए, क्या हमने यहाँ पर बीज डाला, नहीं डाला। तो आप कहेंगे कि पौधा बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बीज डाला जाए, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो बिना बीज के भी उनका पौधा उग जाता है। तो कई पौधे होते हैं जिनके कई कई हिस्से जो हैं, अलग अलग हिस्से जो हैं वो पौधे को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि कुछ एक फसलें होती हैं जिनके पौधे किससे बनते हैं, बीज से। तो उन फसलों को अगर हमें लगाना है तो उसके बीज हमें ज़मीन में डालने पड़ेंगे। लेकिन कुछ एक पौधे ऐसे भी होते हैं, अगर उनकी पत्ती भी आपने ज़मीन में बो दी तो उसका भी पौधा उग जाएगा। तो वो कौन सा पौधा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग पौधों के अलग अलग हिस्सों को ज़मीन में बोया जाता है। जैसे पत्थर चट्टा होता है उसके पौधे के पत्ते उगते हैं, यानी कि टॉपिक का नाम क्या है कि पौधे के विभिन्न भागों का अंकुरण। अंकुरण केवल ज़रूरी नहीं कि बीज का ही हो, अंकुरण पौधे के किसी भी भाग का हो सकता है। अलग अलग पौधों में अलग अलग पौधे के भागों का अंकुरण होता है, ठीक है। किसी पौधे में पत्ती का अंकुरण होगा तो उसकी पत्ती को जमीन में डालेंगे, पौधा मिल जाएगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कलमें लगाई जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो गुलाब है, गुलाब की कलमें आपको मिलती हैं। आप जो है नर्सरी में जाते हो, नर्सरी में आपको जो है एक लिफाफे में जो है डाल करके देता है, आप लिफाफे को फाड़ते हो, जमीन में डालते हो और वो पौधा जो है वो आपका गुलाब का पौधा उग जाता है। तो पौधे के विभिन्न भागों का अंकुरण हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पत्थर चट्टा का पौधा जो होता है उसके पत्ते से उगता है, यानी उसका जो पौधा है उसको उसकी पत्ती जो है जमीन में डालोगे तो जो है पौधा बाहर निकल आएगा। वैसे आपने देखा होगा कि मनी प्लांट का पौधा जो है उसके तने को बोतल में लगाया जाता है, और उसके तने को जब बोतल में लगाया जाता है, पानी की बोतल में, ठीक है, तो वो वहां पर उग जाता है। गुलाब के पौधे का तना कलम के रूप में लगाने पर उग जाता है, छोटी सी कलम जो है उसकी काट करके और ज़मीन में जो है लगाई जाती है, तब जो है गुलाब का पौधा उगता है, ठीक है। और वैसे ही पुदीना आपने सुना होगा, तो पुदीने की जड़ लगाने पर अपने आप बहुत से पौधे का रूप ले लेते हैं, यानी कि जो पुदीना है, पुदीने की मान लीजिए 4-5 पुदीने के पौधे एक साथ है, उसमें से एक जो है पौधा आपने जड़ समेत निकाल करके दूसरी जगह लगा दिया तो अपने आप एक पौधा जो है वो बहुत सारे पौधे अपने आसपास जो है उत्पन्न कर देगा। तो ये है कि पौधों के विभिन्न भागों का अंकुरण, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम किसी भी पौधा हमें उगाना है और मान लीजिए उसके बीजों का अंकुरण होता है, मान लीजिए कि कोई पौधा है या कोई फसल है या कोई भी बीज है मान लीजिए, तो बीजों को हम ज़मीन पर डालते हैं, ठीक है, ज़मीन पर डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर उस जो बीज डाला है उस बीज से पौधे उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने चने के बीज डाले हैं तो चने के पौधे उगेंगे, आपने गेहूं के बीज डाले हैं तो गेहूं के पौधे उगेंगे, आपने चावल के बीज डाले हैं तो चावल उगेंगे, मूँग के बीज डाले हैं तो मूँग उगेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा स्थान आपने देखा होगा कई कई बार कि वहाँ पर हमने बीज नहीं डाला होता, लेकिन अपने आप पता नहीं कैसे वहां पर वो पौधा उग जाता है, ठीक है। कि मान लीजिए आपने क्या किया कि ये मान लीजिए आपका खेत है, मान लीजिए ये आपका खेत है या घर में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर आपने जो है अपनी जो है नर्सरी जो है बना रखी है जिसमें आप फसल उगाते हो, ठीक है, ये छोटे छोटे पौधे उगाते हो। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने कुछ बीज डाल दिए, यहाँ पर आपने कुछ बीज डाल दिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपने बहुत सारे बीज डाले हैं इस क्षेत्र में, ठीक है, ताकि यहाँ पर पौधे उग जाए। कई कई बार क्या होता है कि मान लीजिए जहाँ पर आपने फसल उगानी थी, जहाँ पर आपने पौधे उगाने थे उसके आसपास कोई क्षेत्र है,
कोई क्षेत्र है, मान लीजिए कोई ज़मीन है, वहाँ पर एक पौधा उगाया, जैसे आपने चने के बीज डाले तो आपने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक चने का पौधा उगाया, आपने वहाँ पर बीज नहीं डाले थे फिर भी वहाँ पर चने का पौधा उगाया। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि हमने बीज तो डाले थे यहाँ, बीज तो डाले थे यहाँ, यहाँ तो पौधे उगने थे, ये तो सही है, यहाँ पर तो पौधे उग गए, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ तो बीज ही नहीं डाला था, यहाँ पर पौधा कैसे उग गया? तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने किसी जगह पर बीज डाले हैं, यहाँ पर कोई पक्षी बैठता है, पक्षी के पैरों के बीज चिपक जाते हैं या पक्षी अपने पैरों से बीजों को इधर उधर ले जाता है, ये बीज यहाँ पर आ गया और इसके द्वारा जो है इस बीज के द्वारा यहाँ पर पौधा उग गया। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है कि हम और कहीं बीज डालते हैं, वो बीज किसी भी तरह से हो सकता है हल्का भी जो हवा में उड़ करके यहाँ पर आ गया हो सकता है आपने जब यहाँ पर पानी दिया हो तो पानी के साथ बह करके वहाँ पर आगे चला गया हो, ठीक है, तो वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण या मनुष्य के कारण या किसी मान लीजिए पशु पक्षी के कारण उनके पैरों में फंस करके या उनके पैरों से चिपक करके जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाता है तो उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है बीजों का इस तरह से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना क्या कहलाता है, बीजों का प्रकीर्णन। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है तो आप कहेंगे बीजों का इधर उधर फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। अब किसके द्वारा हो सकता है, अब ये मान लीजिए चने का बीज तो आपने भारी लिया था, मान लीजिए आपने छोटे छोटे बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बहुत ही हल्के और छोटे छोटे बीज होते हैं, ठीक है, अब बहुत ही हल्के और छोटे छोटे बीज है तो वो तो पशु पक्षियों के पैरों से चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं ना, तो यही प्रक्रिया जो होती है इसी को क्या बोला जाता है, प्रकीर्णन बोला जाता है, ठीक है। तो प्रकीर्णन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि बीज या तो कैसे कैसे हवा में उड़कर जल से बहकर या पक्षियों के पैरों से चिपक कर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो इस तरह से बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। और यही प्रकीर्णन का ही कारण है कि कई कई पौधे जो भारत में कभी उगे ही नहीं वो भी आज भारत में उग जाते हैं, किस वजह से, इस प्रकीर्णन के कारण से। अब आप कहेंगे वो कैसे, अब मान लीजिए कि कोई विदेश में कोई पौधा है जो भारत में उगता नहीं है, मान लीजिए भारत में कोई पौधा है या कोई ऐसा पौधा है जो भारत के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा देश है, एक बार ऐसे ही बना लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा भारत देश है और मान लीजिए इधर कोई दूसरा देश है, ठीक है, अब भारत में कोई एक पौधा है जो भारत में नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पौधा है जो किसी दूसरे अन्य देश में होता है, दूसरे अन्य देश में मान लीजिए किस तरह से इस पौधे के बीज डाले गए, ठीक है, अब बीज डाले गए तो यहाँ पे तो पौधा उगाने के लिए बीज डाले गए क्योंकि ये इस देश की स्थानीय फसल है, मतलब उस जगह पर तो ये फसल पाई जाती है इसलिए उसके बीज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से कोई पक्षी उड़ता है क्योंकि पक्षी को थोड़ा ही ना पता है कि वो पाकिस्तान में जा रहा है, भारत में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, वो तो कहीं से भी कहीं पे भी जा सकता है। अब पक्षी उड़ता है, पक्षी पहले तो यहाँ पर जाकर के बैठता है, यहाँ पर जाकर के बैठा तो उसके पैरों के क्या चिपक गया, इसका एक दाना चिपक गया। अब ये पक्षी उड़ा और कहाँ पर आ गया, भारत के अंदर आ गया, भारत के अंदर अब उसको किसी पेड़ पर मान लीजिए मीठे मीठे फल दिखाई दिए तो वो पहले कहाँ पर उतरा, मान लीजिए जमीन पर उतरा, उसने फल देखे कि कौन से पेड़ पर मीठे मीठे फल पाए जाएंगे और फिर आराम से फलों को एंजॉय करने के लिए चला गया, लेकिन उसके पैरों से ये जो बीज जो है यहाँ पर चिपक के यहाँ पर आए थे वो बीज कहाँ पर रह गया, वो बीज जमीन में रह गया, यानी कि जो विदेश में पाया जाने वाला पौधा है वो भारत में कैसे उगा ये जानना है, तो कैसे उगा, तो ये प्रोसेस कौन सी हुई, ये प्रोसेस हुई प्रकीर्णन के कारण, कि बीज जो है किसी एक देश से दूसरे देश पर किस प्रकार पहुंचते हैं, तो प्रकीर्णन द्वारा पहुंचते हैं, और ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, विदेशी पौधे बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विदेशी पौधे कौन से होते हैं तो आप कहेंगे ऐसे पौधे
ऐसे पौधे जो भारत के अंदर या हमारे देश के अंदर नहीं होते हैं। ऐसे पौधे के बीज विदेश से किसी कारण से हमारे देश के अंदर आकर के और बोए गए हैं। ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, विदेशी पौधे कहते हैं। हो सकता है कि वो बीज कोई व्यक्ति लेकर के आया हो सकता है कि वो बीज किसी पशु पक्षी के द्वारा आ गया हो सकता है हवा के माध्यम से आ गया हो, और हो सकता है कि जल के माध्यम से आ गया हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जब वो बीज आ करके लग जाता है और वो पौधा उग जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो भारत के अंदर विदेशी पौधे हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विदेशी पौधे क्या है, तो आप कहेंगे कि यात्रा के दौरान पौधे व जानवरों के साथ जब कोई बीज एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, तो इस तरह के कुछ पौधे जो हैं जो भारत के अंदर आ गए, ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है, विदेशी पौधे। और विदेशी पौधों का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, चाय का पौधा। जो आप चाय पीते हो ना सुबह उठ करके हम चाय पीते हैं, जो ऐसे बोला जाता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हमारी तो सेहत बनती ही नहीं जब तक चाय ना पीने है ना सुबह। तो चाय जो होती है, चाय का जो पौधा है, वो भारत का पौधा नहीं है, भारत का अपना पौधा नहीं है, विदेश से चल करके भारत के अंदर आया था। कहाँ से आया था तो आपको पता होना चाहिए कि चाय का पौधा चीन का पौधा है। कहाँ का पौधा है, चीन का। चीन से भारत में चाय का पौधा आया था। वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉफ़ी या फिर भिंडी खाई होगी आपने, भिंडी, ठीक है, तो भिंडी का जो बीज है या कॉफ़ी का जो बीज है वो कहाँ से आया था, वो हमारे पास आया था अफ्रीका से। कहाँ से आया था, अफ्रीका से। हाँ, वो अलग बात है कोई व्यक्ति लाया या कोई पशु पक्षी ले आया, ठीक है। सो अफ्रीका से आया था कौन सा पौधा, कॉफ़ी का पौधा, कॉफ़ी का बीज जो यहाँ पर आकर के लग गया और हम आज देख लीजिए कितनी कॉफ़ी पीते हैं, है ना। और दूसरा भिंडी, ठीक है। तो ये कुछ विदेशी पौधे हैं जो भारत के नहीं हैं, जो बाहर से आए थे। वैसे ही गोभी और मटर अगर पूछ लिया जाए, गोभी और मटर ये भी भारत में नहीं होते थे। एक टाइम था जब गोभी और मटर नहीं होते थे, बाहर से इनको लाया गया। और गोभी और मटर जो है वो कहाँ से आए, ये यूरोप के देशों से आए। कहाँ से आए, यूरोप के देशों से। तो आपको पता होना चाहिए कि गोभी और मटर ये भी भारत की खुद की फसलें नहीं हैं, ये भी विदेशों से आए हुए पौधे हैं। तो ऐसे पौधे जो जिनके बीज जो है विदेशों से लाए गए हैं, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, ऐसे पौधों को विदेशी पौधे कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गई सारी की सारी थ्योरी, पता होना चाहिए चाय कहाँ से आई, चीन से आई, ठीक है। और भारत में आकर के जो है इन पौधों को जो है यहाँ पर लगा दिया गया, यहाँ पर बोया गया, यहाँ पर जब बोया गया तो उनसे जो फसलें हो गई वो फसलें भारतीयों के द्वारा पसंद की गई। मटर की सब्जी कौन पसंद नहीं करता, है ना, गोभी की सब्जी कौन पसंद नहीं करता, गोभी के परांठे भारतीयों को अच्छे लगने लग गए, तो हमने आगे से गोभी बोनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये जो है, ये पौधे जो है, जैसे कॉफ़ी अच्छी लगी तो कॉफ़ी हमने खेती करनी शुरू कर दी, चाय अच्छी लगी तो हमने चाय जो है उनको जो है यानी कि पीना शुरू कर दिया, यहाँ पर बोना शुरू कर दिया। अब है कि ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस का पौधा तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाया गया, इसे कीलगिरी पौधा भी कहते हैं। कौन सा पौधा, ध्यान दीजिएगा कि एक यूकेलिप्टस नाम का पौधा है। कौन सा, यूकेलिप्टस, जो आपकी बुक में आया हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है। यूकेलिप्टस नाम का जो पौधा है कहाँ से लाया गया, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। कहाँ से लाया गया, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया, ऑस्ट्रेलिया से इस पौधे को लाया गया। और तमिलनाडु के अंदर आपको पता है कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, तो आप कह देंगे तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर जो है इस यूकेलिप्टस नाम के पौधे पर पौधे को लगाया गया। मान लीजिए ये पहाड़ी है, यहाँ पर इस पौधे को लगाया गया। जब लगाया गया तो इस पौधे का नाम रख दिया गया। इस पौधे का नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया कीलगिरी। क्या कह देंगे, कीलगिरी। तो आप कह देंगे कि इस पौधे का नाम क्या रख दिया गया, कीलगिरी पौधा रख दिया गया।
ऐसे ही आपको पता होगा कि जो आप सबसे ज़्यादा खाते हो गेहूँ, गेहूँ भी भारत के अंदर नहीं होती थी। भारत के अंदर जो है बाजरा की पहले जो है खाना वगैरह बनाया जाता था, रोटियां बाजरे की बनाई जाती थी। गेहूँ कहाँ से आया तो आपको पता होना चाहिए कि गेहूँ जो है हमारे पास कहाँ से आया, अमेरिका से आया था। ठीक है, तो गेहूँ वैसे कहाँ का पौधा है, अमेरिका का पौधा है। ध्यान रखिएगा, गेहूँ जो है भारत के अंदर नहीं थी, भारत के लोग गेहूँ नहीं खाते थे, ये अमेरिका से चल करके भारत में आई थी। और आजकल आपको पता है कि भारतीय लोग गेहूँ का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी हमने जो है विदेशी फसलें जो है हमने जो है यहाँ पर पढ़ी है। तो बीज बना पौधा, बीज से कैसे पौधा बनता है, बीज के अलावा कैसे पौधा बनता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी और विदेशी पौधों के बारे में जाना और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हमने देखी कि गोभी मटर भी हमारी नहीं है, चाय भी हमारी नहीं है, कॉफ़ी भिंडी भी हमारी नहीं है, गेहूँ भी हमारी नहीं है, जो हम आज हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी हमारी थी ही नहीं, हमने तो दूसरों से ग्रहण की है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बीजों का प्रकीर्णन। ठीक है, लेकिन हालांकि कहा जाता है कि गेहूँ से बहुत बीमारियां होती जा रही हैं, शुगर होता जा रहा है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां गेहूं की वजह से हो रही है क्योंकि हम गेहूं खाते हैं। ठीक है, हालांकि हमारी जो है ये फसल नहीं थी, पहले हम बाजरे की रोटियां खाते थे तो हम तंदुरुस्त रहते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ बोला तो जाता है, लेकिन आजकल जो है क्योंकि गेहूं जो है वो बाजरे की तुलना में ज़्यादा उपलब्ध है हमारे यहां, तो हम उसी को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और बचपन से जब उसी को खाना शुरू कर दिया तो आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बाजरे की रोटी जो है वो अच्छी नहीं लगती है। वो किस वजह से अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमने उसको खाना छोड़ ही दिया है, हमने अपनी चीजों को तो छोड़ ही दिया है। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।